हाँ आप पूछ सकते हैं, आप बताएं क्या डाउट है। हाँ सर, हमारा जो एक्सप्रेशन है वी माइनस ई इक्वल आई आर, नहीं, वी माइनस सी नहीं, ई माइनस वी। सर कहीं कहीं वी माइनस ई लिखा है, कहीं ई माइनस आर। नहीं, जिसमें भी करंट फ्लो कर रहा है ना उसमें ई माइनस वी लिखा होगा, ई माइनस वी। ठीक है, सर मैंने आपको दो क्वेश्चंस भेजे थे, दोनों में अलग अलग फॉर्मूले लगे हैं कहाँ भेजे? सर, आपके व्हाट्सएप नंबर पे। 1 मिनट। जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट क्वेश्चन भेजा है, यस सर, उसमें 2 वोल्ट लिखा है, तो उसमें तो हम वी माइनस ई नहीं लगा रहे, बल्कि हम उसमें किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं, उससे जो भी आए। ठीक है भाई, सर लेकिन अगर हम इसमें वी माइनस ई लगा रहे हैं तो सही आंसर आ रहा है। नहीं, ये तो हम, हमें लग रहा है ऐसा ऐसे, हम इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है ना हमें। हमें इसमें क्या करना है, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। यस सर, तो हम यहाँ से चले लेफ्ट से राइट, या राइट से लेफ्ट, कैसे जा रहे हैं हम? सपोज हम राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हमें 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सर, ये जब बैटरी चार्ज करते हैं ना, तब उसमें आई आर जो ड्रॉप होता है वो ऐड हो जाता है, एक चीज। दूसरा, उसको भूल जाते हैं। अभी हम लेफ्ट से चलते हैं सपोज, तो लेफ्ट से चलते हैं तो आता -2 और -IR। सर 1 मिनट, मैं इसमें एक खोल के दिखाता हूँ। मिनट, तो प्लस टू आता ना, हाँ? तो नहीं, माइनस टू थोड़ी प्लस टू आएगा। अब लेफ्ट से आ रहे हो तो फिर -2 ही आएगा। मैं अभी अभी दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। यस सर, माइनस आएगा। कहाँ गया तुम्हारा ये? ये वाला है ना, फर्स्ट वाला, ये दिख यस रहा है सर, सबको? दिख रहा है ना क्वेश्चन? यहाँ पे चले लेफ्ट से, है ना? तो यहां से चलेंगे, अगर इसको मैं ए पॉइंट मान लूं, इसको मैं बी पॉइंट मान लूं, ठीक है? तो मेरा यहां से वी ए, इस पॉइंट का नाम मैंने वी ए रख दिया है, तो वी ए इधर चले -2, -2 यस और फिर -IR, तो दोनों सेम साइन आए, इक्वल टू वी भी। तो जब वी ए माइनस वी भी करेंगे, इधर जाके प्लस हो जाएंगे, समझे आप? सर, तो नेगेटिव आ रहा है आंसर फिर तो। यस नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आया ना, करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है। करंट यहां से इधर फ्लो कर रहा है ना, इधर से इधर। 1 मिनट, अभी सर, ये पेन चलेगा कि नहीं देखो इस पे। हाँ चल, तो नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। देखो, इस पॉइंट का नाम वी ए रख लो इसका, और इस वाले पॉइंट का नाम वी, ये बी रख लो। ठीक है, तो मैं यहाँ से चला वी ए -2 यस सर, -IR इक्वल टू वी बी, ऐसा आया। इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू जो ये बी, जो पॉइंट ये बी है ना, उसका पोटेंशियल आएगा। मैं यहां से यहां जा रहा हूँ ना, इक्वल टू वी बी, ये बी पॉइंट अगर मान लिया तो वी भी आएगा। ओके सर।
बेसिकली ई माइनस आई आर जब हम सेल से करंट लेते हैं ना तब है, और जब सेल को चार्ज करते हैं तो ई प्लस आई आर हो जाता है, ई प्लस आई आर। पता कैसे चलेगा ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं? अभी मैं फिगर बना के इसको सॉल्व करके अभी दिखाता हूँ। ये 2 है, ये 0.1, ये 5 है ना। ये क्वेश्चन अपने पास नोट रखना, अभी जब मैं पूछूंगा तो मुझे बताना, यस सर। मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ अलग से पेज पर। यही डाउट है? हाँ यस सर। एक मिनट। देखो ऐसे है, ये 2 वोल्ट है और ये 0.1 ओम है ना, और यस सर। ये 5 एम्पियर, 5 एम्पीयर राइट। करंट आ रहा है। हाँ अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट मैंने ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, और ये जो रेजिस्टेंस है ये सेल के अंदर है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेल के टर्मिनल के बीच मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये सेल के अंदर है, करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, तो मैं ऐसा लिखूंगा वी ए माइनस 2, ये प्लस से माइनस गए, करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, आई आर, ये आर इंटू 5 इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट क्योंकि लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है तो ये हाई पोटेंशियल पर है, इसलिए पॉजिटिव आना चाहिए, और ये पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर। 2 उधर ले गए और इसका मल्टीप्लिकेशन 0.5, 2.5 वोल्ट। ये समझ में आया? पहले ये बताओ यस सर। दूसरा। अब जो मैं कह रहा था, हम लेते हैं वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये कब लेते हैं? ये स्मॉल आ रहे हैं, ये ईएमएफ है, ये कैपिटल आ रहे हैं, ये पॉइंट ए ले रहा हूँ, ये बी ले रहा हूँ। अब अगर सेल से करंट ले रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सेल से करंट फ्लो कर रहा है, तो सेल से जब भी करंट फ्लो होगा, अगर करंट आई है तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, इसके अक्रॉस कुछ थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए हमेशा ई में से माइनस आई आर, वही इधर ए और बी के क्रॉस आई आर आएगा। तो मैं इसको या तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, ई माइनस आई आर इक्वल टू वी, और ये वी किसके क्रॉस है? आर के क्रॉस, रेजिस्टेंस आर के क्रॉस। ये तो मेरा लॉजिक से आया, बाकी मैं किरचॉफ से भी यही आएगा, किरचॉफ लगा रहा हूँ इसमें, यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ से प्लस ई यहाँ पे आया, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, माइनस आई आर, फिर इधर गया, माइनस आई आर इक्वल टू 0, ई माइनस आई आर इक्वल टू आई आर, और ये जो आई आर है आई इंटू आर, यही इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये सेल के टर्मिनल के क्रॉस भी यही पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस आर के क्रॉस है, जो कि ये वाला जो आ रहा है ये सेल के अंदर होता है। तो जब सेल करंट दे रहा है तब वी माइनस आई आर, और जब सेल को चार्ज करते हैं, यहाँ तो करंट इधर जाना चाहिए था ना, इसकी जगह उल्टा आ रहा है, तो ये चार्जिंग ऑफ सेल हो जाती है, तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। ई प्लस आई आर से भी निकाल सकते हैं या किरचॉफ से निकाल सकते हैं। ओके सर। अब आगे समझ में? हाँ यस सर। सर एक और क्वेश्चन था। बोलो। सर एक सर्किट को डिवाइड किसी नोड पे। क्या करूं, सर्किट बना लूं?
यस सर, सर टॉप है, फिर से सर बोला हुआ। एक सर्किट मैं बनाऊँ? हाँ तो बना के भेजो, कैसे बनाओगे? एक मिनट सर। सर विजिबल है? एक मिनट, बहुत हल्का आ रहा है इसमें देखो, इसमें आएगा। सर उसकी सर स्क्रीन पे हिंट जो ले लीजिए पिन का आप बस। बटन दबा हुआ है वो दबा दीजिए, ये जो पिन का बटन ये है। वाला? अच्छा हाँ, यस सर। अच्छा तो ये तीन रेजिस्टेंस, ये तीन रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं शायद। यस सर, और ए और बी पॉइंट है ये यहाँ पे। ये ए और ये बी और ये तीन रेजिस्टेंस और ये तीन रेजिस्टेंस, ऐसा बोल रहे हैं? उन्नति यस कैमरा सर विजिबल नहीं है तेरा? हैं? हाँ वो कुछ कैमरा फोन का बहुत लाइट दिख रहा है, एक मिनट। ब्लरी आ रहा है काफी। यस सर, हाँ वो तीन तीन करके बने हुए हैं जो आप कह रहे थे। तीन तो ये, और इधर बीच में क्या है वो नहीं पता चल रहा, इसको ऊपर क्यों? मैं यहाँ बना रहा हूँ, तुम मुझे यहाँ पे बताना, चेंज करा देना। और बीच में क्या है, यहां भी रेजिस्टेंस है? अच्छा यस सर यहाँ पे भी है। ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हो आईआईटी वाला? अच्छा सर नहीं, ये तो एचसी वर्मा का है। सर इसमें करंट डिवाइड करना नहीं आ रहा। सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं। सर यस आर ले लीजिए। तो ये तो डायरेक्ट वैसे हो जाएगा, एक मिनट, सब कुछ ठंडा नहीं है, ये बर्फ ए ये बी, मतलब। तो ये सिमेट्री से इसके क्रॉस कोई करंट नहीं आएगा, इन दोनों को रिमूव कर देंगे। ये आर आर टू आर टू आर टू आर टू आर बाई थ्री आ जाएगा। सर अगर हम ए से करंट भेजते हैं तो ये डिवाइड कैसे करेंगे? अगर अगर करंट भेजते हो, सपोज यहाँ पे आई करंट हमने पास किया, ठीक है, यस सर। अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल आई वन आई टू और इसमें आई थ्री ले लूँ, तो आई वन करंट यहाँ गया, आई ओके टू सर। यहाँ गया, आई थ्री ऐसे ऐसे भेजेंगे, और आई वन में से फिर मुझे और सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसमें सर आई ये जो फोर, बीच वाले रजिस्टर, हाँ तो इसमें आई वन माइनस आई फोर जाएगा, वही तो बना रहा हूँ। आई फोर अगर इधर गया तो इसमें से आई फोर माइनस करके इसमें भेजेंगे, और इन दोनों का जो इनकमिंग करंट है वो बराबर होगा, यहाँ पे जो दो करंट और लेंगे उनके सम के, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं सिमेट्री लूंगा, सिमेट्रिकली इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको रिमूव कर दिया मैंने, इसको भी रिमूव कर दिया, क्यों? लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने, सिमेट्री से ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं। यस यस सर, सर, यस सर। तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों रिमूव कर दिए, समझ में आ रहा है? हाँ, यस सर आ गया। तो ये आसान मेथड से करेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन से तो पूरा दिन लग जाएगा, तब भी नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, क्योंकि उसमें इतनी सारी ब्रांचेज आ रही हैं। सर एचसी वर्मा में करंट डिस्ट्रीब्यूट करके किया हुआ है सही, इसमें उन्होंने, आई वन आई टू आई थ्री सेम नहीं होगा? हाँ तो वो सिमेट्री से उन्होंने सिमेट्री ले ली हाँ होगी। सेम। अभी देखता हूँ, एक मिनट।
हाँ तो उन्होंने भी यही माना, बीच में करंट नहीं जा रहा है ना, करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है और सिमेट्री भी ले ली उन्होंने। सर यही समझ नहीं आया, बीच वाले रजिस्टर में क्यों नहीं गया? वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने भी सिमेट्री का यूज किया। उन्होंने क्या किया, ये इधर बीच स्टोन ब्रिज सर ऐसा हो सकता है कि I1 से जितना आएगा I2 से भी उतना ही जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाए। नहीं, 1 मिनट, यहाँ फिर से बना रहा हूँ मैं ये। उन्होंने ऐसा लिया है, 1 मिनट। यहां से करंट आई लिया तो उन्होंने माना, क्योंकि सिमेट्री है ये ए और ये पॉइंट है बी, तो ए और बी के क्रॉस ऊपर और नीचे सिमेट्री है, तो इसलिए ऊपर जितना करंट जाएगा, हमने पहले ही सिमेट्री ले ली, उतना ही करंट नीचे जाएगा। तो I1 ऊपर गया, I1 नीचे गया, तो I में से 2 I1 ऊपर नीचे जा चुका है, इसलिए बचा हुआ करंट इसमें से गया। तो उन्होंने ले लिया यहाँ I-2I1, और फिर फाइनली उन्होंने फिर से सिमेट्री ली। कैसे, यहां से I1 करंट था, उन्होंने मान लिया I1 करंट इसमें वापस आना चाहिए, जब 2I1 इधर आ रहा है तो I-2I1 ही इधर से आएगा, क्योंकि इनका सम फिर से आई होना चाहिए, भी इसमें करंट आई गया, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है ना। तो इसलिए उन्होंने ये देखा, I1 करंट यहाँ था, I1 करंट इसमें भी आ गया, तो इसलिए इसमें नहीं गया, उन्होंने ये लॉजिक लगाया। लेकिन हम इससे आसान लॉजिक ये होगा कि हम AB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें, सिमेट्री है, लेफ्ट और राइट का सर्किट एक जैसा है, तो इसको रिमूव कर दें, इस वाले रेजिस्टेंस को भी, इसको भी रिमूव कर दें और फिर सॉल्व कर लें, ठीक है। हाँ, यस सर, उससे हो गया था। ये इससे ज्यादा आसान है, ये थोड़ा इससे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ओके सर, थैंक यू और किसी का डाउट था अभी, कौन बोल सर। टेस्ट मुझे मेथड सर है। थर्मल स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड और VRMS में क्या डिफरेंस होता है? थर्मल स्पीड हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, नहीं पढ़ी थी, भूल गए हम, इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, यानी जो रूम टेम्परेचर पे जो भी हमारे एटम्स मूव कर रहे हैं वो थर्मल स्पीड है, तो वो भी 3 तरह की है, RMS स्पीड, मीन स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, 3 तरह की पढ़ी थी हमने। तो यस सर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी सभी स्पीड का स्क्वायर किया, उनका मेल लिया, फिर उनका रूट लिया, ऐसे थी RMS, ठीक है। तो सर हम लैम्डा जब निकालते हैं मीन फ्री पाथ, हाँ, तो सर हम उसमें टॉ ओवर वो थर्मल स्पीड क्यों लेते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो तो टेम्परेचर की वजह से, जो एनर्जी है उसकी वजह से मूव कर रहे हैं, जो फ्री मोशन होता है वो टेम्परेचर की वजह से, जो स्पीड है वो यूज कर रहे हैं, इसलिए ड्रिफ्ट वाली तो तब आएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने। ओके सर, यही डाउट था। यस सर। अब सर एक आगे क्वेश्चन था, तीनों में हाँ बोलो, पूछिए किसका डाउट है। हाँ सर तीनों में 2 लोग एक साथ बोल हम रहे हैं, अनुष्का एक एक, बोलो, हाँ एक एक करके बोलो। बहन मेरा बड़ा डाउट है, तू पहले पूछ ले। सर जो हमने अभी तीन वेलोसिटी आपने किसी ने पूछी थी, वो तीनों में RMS ही लेंगे ना हम? नहीं, RMS नहीं, वो 3 तरह की वेलोसिटी हमने उसमें पढ़ी तो थी काइनेटिक थ्योरी में, वो क्वेश्चन के सर ऊपर डिपेंड क्वेश्चन करे, सॉल्व करते हुए उसमें हाँ सॉल्व सर। करते हुए हम RMS लेते हैं जनरली। ओके सर।
कुछ नहीं लिखा है तो आरएमएस ले लेते हैं। आप बताओ अब किसका डाउट है, और किसी का डाउट था कुछ? सर जैसे हमने 12 वायर्स ले लिया, ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है इसे नेक्स्ट वाला, ये जो सामने, क्यूब में, ये जो क्यूब में सामने, अरेंज कर दिया। एक मिनट, किसके बारे में बात कर रहे हो, ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में? नो सर, इससे अगला क्वेश्चन कहाँ है इसका अगला? सर मैं बोल रही हूँ जैसे हमारे पास 12 वायर्स है तो उसको हमने क्यूब के सामने दिया। रुक रुक तो जाओ, इससे अगला क्वेश्चन किसमें, एचसी वर्मा में बोल रहे हो? यस सर। तो मुझे देखने दो तो, एक मिनट क्वेश्चन। ओके सर, एक मिनट। अच्छा ये जो क्यूब वाला है, यस सर, तो एक सर किसने में करना होता है ये भाई, ये जो है ना लर्न करने वाला क्वेश्चन है ये सिमेट्रीज में याद रखनी है, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऐसा लिया है। थोड़ा 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 समझा देता हूँ। हाँ, ऊपर जो करंट I1 लिया है वो क्योंकि ए से बी और ए से डी वो दोनों पाथ सिमेट्रिक है, करंट को सी तक जाना है, तो वो चाहे ए बी सी वाला रास्ता ले या ए डी सी वाला रास्ता ले, दोनों रास्ते सेम है उसके लिए। Yes, इसलिए दोनों में करंट सेम ले लिया है, और नीचे वाला करंट फिर ये दोनों जब सेम ले लिए सिमेट्री से तो आई में से 2I1 माइनस करके नीचे ले लिया है। ठीक है, ओके सर। सर हाँ, और वैसे वो लर्न करने वाला है तो लर्न करने वाले क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ये तो लर्न होना चाहिए तभी होगा। ओके सर। हाँ, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है, सर नहीं पूछेंगे, वो लर्न करने वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, जिसमें लॉजिक से हो रहे हैं वही क्वेश्चन पूछेंगे। Okay. हाँ बोलो, हाँ बोलो, और किसी का डाउट था कुछ? किसी और का डाउट है कुछ? नो सर। आगे चलो मैं। सर डीपीपी के डाउट्स डिस्कस करोगे आज? कौन बोले ये? सर राजा, राजा जेंटलमैन। पहले ये बता दें, सबने कर लिया तो जरूर डिस्कस कर लेना। बताओ आप लोग कर लिए, आप लोगों ने सबने डीपीपी? नो सर। नहीं, नो सर। नो सर, ये प्रॉब्लम है। डीपीपी कौन सी थी, एक मिनट, अरे इसी की बात हो रही है ना, डीपीपी दिख रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर, दिख रही है। हाँ, पर एक बार कर लोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर सबके सॉल्यूशन मालूम हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आपकी, है ना? सर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हाँ, इसलिए अगर कोई छोटा मोटा हिंट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी मैं यही कहूंगा पहले सबको ट्राई करने देते हैं। ओके सर, ठीक है राजा। ओके सर। हाँ, गुस्सा तो नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन था, बंद कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ सिलेंडर एट आउटसाइड पॉइंट ड्यू टू अ सिलेंडर क्या होगा? सिलेंडर के बाहर भी हम उसे वायर की तरह कंसीडर करते हैं, और गॉस थ्योरम में जैसे आता है एक वायर के लिए वैसे ही सिलेंडर के बाहर आएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो भाई आगे चल रहे हैं अब? यस सर। हाँ, अभी तक हमारी क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो एक तो मुझे आप लोगों को नया मेथड आज बताना था, और उससे पहले पोटेंशियोमीटर के दो केस और बता दूं।
नहीं तो पोटेंशियोमीटर बीच में रह जाएगा, उसके बाद स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर था, इसमें हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड की थी, राइट। अब मैं इसमें अरे
सर को बता दियो क्वेश्चन 24 है। स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर इंटरप्शन आ सकता है क्योंकि ये मोबाइल से चल रहा है, अभी वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये अभी मोबाइल के नेट से चल रहा है। अगर प्रॉब्लम आई तो फिर से दोबारा से कनेक्ट करूंगा, ठीक है? ओके सर। तो यहाँ पे देखें, हमने ये पोटेंशियोमीटर लिया, इसका सपोज पोटेंशियल डिफरेंस वी वन के बारे में, ये हमारा रेजिस्टर है, ये ए बी हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, और यहां से हम ये दो सेल हमें गिवन होते हैं, इनके ईएमएफ E1 E2 हैं और ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, मान लें ये R1 R2 हैं। सर सीरीज बोलो, कुछ कह रहे हो? नहीं सर। तो यहाँ पे ये K1 की है, और इसी तरह से यहाँ पे ये सेकंड वाली की है K2, ये हमारी चौकी है, ये गैल्वेनोमीटर, ये मेथड हम यूज कर रहे हैं कंपेयर द ईएमएफ।
of two cells. तो देखें कैसे करते हैं ये E1 E2 दो सेल हैं ये रेजिस्टेंस क्लास सीरीज में लगे हुए हैं एक बार में हम इसमें से एक की सपोज K1 ने ऑन कर दिया और K2 को हम ओपन रखते हैं तो जो K1 है उसको आपने क्लोज कर दी K2 की हमारी ओपन है तो इसमें क्या होगा ये वाला जो सेल है ये सर्किट से बाहर है और फिर हम इसको मूव करते हैं जब तक कि हमें बैलेंसिंग लेंथ ना मिल जाए तो वो बैलेंसिंग लेंथ भी अगर मैं इस पॉइंट को डी कहूँ तो सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा और ये खाली यहाँ से करंट आया इसमें तो ऐसे आ रहा है ऊपर स्ट्रीट में से होता हुआ और अगर यहाँ से करंट आए तो उसको सर्किट नहीं मिल रहा है यहाँ पे इन दोनों का पोटेंशियल सेम है यहाँ पे करंट जीरो है तो इसलिए ए और डी इनके बीच में वही पोटेंशियल है करंट जीरो होता है इस केस में तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वो का EMF है यानी E1 तो हमें E1 के करस्पॉन्डिंग सर KL1 फाइंड होगा हाँ बताओ सर एक्चुअली आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्रैकल कर रही है आवाज हाँ ये मोबाइल के साथ ये प्रॉब्लम आ गया सर शैबी वॉइस है सर सर शिवर कर रही है आपकी वॉइस अच्छा ओके तो मैं फिर एक मिनट चेंज करना पड़ेगा मुझे फिर मैं चेंज करता हूँ ठीक है यस सर मैं वाईफाई पे चेंज करता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही थी L1 क्या है यहाँ पे जब बता दो L1 बैलेंसिंग लेंथ है E1 के करस्पॉन्डिंग AC जो लेंथ आएगी हाँ E1 के लिए जो जिस पर ये करंट जीरो जाएगा वो L1 है और K यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो मैं करेक्शन एक बार चेंज कर रहा हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है ओके सर तो ये मोबाइल से आना तो चाहिए वॉइस श्योर कर रही है इसको ठीक कर सकते हैं कुछ है रीजन इसका कैसे ठीक कर से सर नेटवर्क कनेक्टिविटी होगा सर मीन सर यस नेटवर्क इशू सर नेटवर्क की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगा हां ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है जिससे क्या होगा एयरटेल का नेटवर्क फिर भी ठीक से नहीं आ रहा है सर एयरटेल का नेटवर्क ऐसे एरियाज में आता है जहां पे उसकी जरूरत नहीं होती हां सही कह रहे हो एक मिनट पहले मैं आउटपुट हटा रहा हूँ तब आइए
हेलो हाँ मेरी स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन है ना इसे ट्राई करो एक बार। हाँ रुक दिख रहा है, दिख रहा है। प्लग थ्रू द प्लेट निकालना है हमें। थोड़ा सा ऊपर पे हाँ जे एडवांस का क्वेश्चन है 2000 आई थिंक 1918 का। एक बार ऊपर कर थोड़ा सा। इतना ही क्वेश्चन है भाई फिगर ये रही। और प्लग थ्रू द प्लेट निकालना लेफ्ट में क्या था उधर? है। ये वायर है इनफाइनाइट लेंथ की लैम्डा उसकी गिवन है। ये सिलेंडर मत माने तो मैंने खुद बनाया है सिर्फ वायर गिवन है। ठीक Yeah, I am using the same thing because I connected also, isn't it? So I connected, but in the in between, my voice shivers. So it was difficult for my students to understand what I was telling them. Last 3 days, I am facing this. Last 3 days. Yeah, please. Yes, yes. This is in Vaishali. In Vaishali, and for fixed line also, I am facing a lot of problems. So please register my complaint for both the things. बात कर रहे हैं सर किसी से कनेक्शन से रिलेटेड। या दिस इज वैशाली सेक्टर 4। वैशाली सेक्टर 4। या 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 दिस इज दैट। राइट राइट। माय स्टूडेंट थोड़ा वेट करेंगे, मैं जस्ट आई कम बैक टू यू।
ओके सर, ओके सर। ओके सर, so I am used only in the house only, so I got this problem inside house. हेलो स्टूडेंट्स, अभी आ रहा है स्क्रीन? यस यस सर। हाँ, दो मिनट वॉइस भी क्लियर आ रहा है सर, वॉइस भी क्लियर है एकदम। अच्छा, तो दो मिनट रुक जाओ जरा, इनके कंप्लेंट कर दूंगा ब्रॉडबैंड पे। ओके सर। तो तीन दिन से यही प्रॉब्लम आ रही है ना, एक दो मिनट रुक जाए, फिर स्टार्ट करता हूँ। हाँ, प्लीज होल्ड ऑन। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। हाँ, बहुत टाइम ले रहे थे, अभी मैंने छोड़ दिया उन लोगों को, इधर आ जाते। हाँ, इतनी देर करने के बाद भी अभी तक उन्होंने भी वही प्रॉब्लम बता दी जो आजकल सिचुएशन चल रही है, एक्सक्यूज बना दिया उन्होंने सर, कोरोना की वजह से फोटोन थोड़ी जाम हो जाएंगे। हाँ, उन्होंने बोल दिया पर्सन वो नहीं अवेलेबल नहीं है, कम पर्सन है ऐसा बोल दिया। कोई नहीं, इधर आ जाते हैं, ठीक है? अभी तो अभी सब दिखाई दे रहा है, वॉइस भी क्लियर है। हाँ, यस सर। तो देख, हाँ यहाँ पे देखें, हम E1 E2 जो EMF है इसको कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो E1 इसके साथ ये सीरीज में रेजिस्टेंस है, हमने K1 की प्रेस की
तो करंट इसमें से करंट आएगा, लेकिन आगे क्योंकि नहीं जा सकता है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट विल बी जीरो। तो इसलिए एडी का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो ईएमएफ है, ईएमएफ है। तो इससे हमें ईएमएफ ई वन एसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो ई वन के इक्वल होगा, तो इससे ई वन मिल गया हमें। यहां तक क्लियर है? और अब मैं यहाँ पे यस सर क्लियर है। हाँ यहाँ एक मिनट, ये के टू अभी ठीक कर रहा हूँ। और फिर हम क्या करते हैं, के वन को ओपन कर देते हैं, के टू क्लोज कर देते हैं, केस टू। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या हमें रिजल्ट मिला है? ये केस वन का, केस वन के लिए कह रहे हैं? यस सर। हाँ अभी एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बीच में ये बहुत इंटरप्शन आ गया ना। फिर से देखते हैं, केस वन के लिए फर्स्ट केस में हमें ईएमएफ ई वन निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं कि ई वन तो सर्किट में आ जाए और ई टू वाला ये जो ब्रांच है ये ना आए। तो इसके लिए हम इसको ओपन रखते हैं यहां से के टू को, और के वन को यहां से क्लोज कर देते हैं इस की को। तो करंट यहां से फ्लो करेगा, लेकिन जब हमारा बैलेंस पॉइंट आएगा सी और डी का पोटेंशियल सेम है तो करंट जीरो हो गया। तो उस टाइम इस सर्किट में क्योंकि ये सिंगल लाइन है तो इसमें करंट जीरो हो जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ लूप बनना चाहिए करंट फ्लो होने के लिए। सर पोटेंशियल सेम कैसे? एक सर ये की है या स्विच है? ये के वन की है, के वन जो है सर, लेकिन वो ये तो स्विच का सिंबल होता है ना। स्विच या की एक ही बात है ना, एक ही बात है ना, वो तो की और स्विच, उससे करना क्या तुम्हें? वो तो इसका मतलब यही तो होता है, इसे सर्किट ओपन रखें या क्लोज करें, करंट फ्लो कराएं या नहीं, वही तो इस स्विच होता है, वही की होती है। ओके सर। हाँ सर सीओडी का पोटेंशियल सेम कैसे? सी और डी का ये पोटेंशियो मीटर की हमने प्रॉपर्टी कल स्टडी की थी ना, ए सी लास्ट क्लास में, मतलब ए सी और ए डी, जब ये इनके बीच में पोटेंशियल सेम हो जाता है तभी ये रीडिंग जीरो आती है। यस सर, इस केस में हमने सेम कैसे बताया? सेम ऐसे बताया है, इस जॉकी को मूव करेंगे, जब ये जीरो रीडिंग आ जाएगी तब हमें पता लग जाएगा कि हमारा बैलेंस पॉइंट मिल गया। ओके सर। और उस टाइम पे एसी की लेंथ एल वन है और के पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो के इंटू एल वन ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया एसी के क्रॉस, और सेम ड्रॉप एडी के क्रॉस है। अब क्योंकि यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये जो रेजिस्टेंस होगा सेल का या सीरीज में, इसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, तो ये डायरेक्ट ईएमएफ रीड करेगा। यहाँ तक आया समझ में? यस सर।
स्टूडेंट स्क्रीन आया आपके पास? आ गया सर आ गया। हाँ आज ये नेट नाराज है हमसे, कभी लाइट जा रही है। हाँ कभी लाइट जा रही है, अभी लाइट चली गई इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट केस हमने किया, सेकंड केस में अब हम इसको सर्किट से हमें रिमूव करना है A1 को, तो ये वाली की हमने ओपन कर दी K1, और जो K2 वाली की है इसको क्लोज कर देंगे। तो सेम मेथड से अब E2 के लिए हमें दूसरी लेंथ मिल जाएगी यहाँ पे, बैलेंसिंग लेंथ, जॉकी को फिर मूव करेंगे इसके ऊपर जब तक कि हमें ये जीरो रीडिंग नहीं मिल जाती यहाँ गैल्वेनोमीटर में। तो इससे हमें मिलेगा E2 इक्वल टू KL2, और हमें E1 E2 में से एक हमें पता है एक हमें मालूम करना है, इनका रेशियो निकाल लेते हैं हम, डिवाइड कर दें, दो इक्वेशन मिल गई हमें, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा E1 इक्वल टू L1 बाई L2, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो मुझे ये दो EMF गिवन है उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, और इसमें से एक नोन है तो दूसरे का EMF हमें मिल जाएगा। ऐसे हम EMF फाइंड करते हैं, ये मेथड है। अब अगर आपको किसी को डाउट है तो बोल सकते हो मुझे। सर अगर ऐसे की ओपन क्लोज करेंगे तो करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ तो पढ़ने तो फर्क, तुम्हें क्या करना है सर? तो आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा? नहीं, किसके करंट में फर्क पड़ेगा? ये जो मेन सर्किट का करंट है इसमें क्या रहे हो सर? नीचे वाले में, जब हमने नीचे वाले में K2 ओपन, K2 क्लोज की, K1 ओपन कर दिया, ठीक है? यस सर। तो इस केस में फिर ऐसे होगा, यहाँ से करंट आया लेकिन आगे तो जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ तो करंट जीरो है। यस सर। तो इसमें करंट कहाँ होगा? करंट होगा ही नहीं। तो E2 के करस्पॉन्डिंग जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो अगेन I इंटू R से आ जाएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ। ओके सर। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इंटरमीडिएट बीच में कुछ डिफरेंस आएगा लेकिन फाइनली बैलेंसिंग लेंथ हमें ठीक मिलेगी। हाँ बोल सर, दोनों सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ अलग अलग होगी? अलग अलग होगी क्योंकि ईएमएफ अलग अलग है ना दोनों के, उसके ऊपर डिपेंड करेगी, जिसका ईएमएफ ज्यादा है उसके लिए लेंथ ज्यादा आएगी। अच्छा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी यानी? हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ पे आ रहा है ना के तो सेम है तो ईएमएफ के प्रोपोर्शनल है, जिसका ईएमएफ ज्यादा है उसकी लेंथ ज्यादा आएगी। ओके सर। सर की ओपन में I0 होगा? नहीं कंफ्यूज हो रहे, कौन सा की ओपन ये बताओ मुझे। K1 K1 ओपन और K2 क्लोज। हाँ उसमें भी I0 है, और जब ये वाला सर्किट में लेता उसमें भी I0, दोनों ही केस में करंट जीरो है, यही तो इसका फायदा मिल रहा है, इसलिए हमें EMF मिल रहा है। अगर करंट फ्लो कर रहा होता इसके क्रॉस तो हमें IR ड्रॉप हो जाता ना इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस, yes, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता जो कि EMF नहीं होता, उससे कम मिलता हमें। यही हमें एडवांटेज है इस मेथड में जो किसी और मेथड में नहीं मिलता, क्योंकि इसमें करंट जीरो होता है हर बार, तो हमें सीधे EMF मिल रहा है, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट E1 आ जाता, क्या जाता E1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता। हाँ, R1 का कुछ फर्क नहीं पड़ता? हाँ इससे R1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें करंट ही जीरो है ना, ये तो खाली हमने जब बैलेंसिंग लेंथ जब तक नहीं आ रही उस टाइम हेल्प करेगा बस, ये जैसी बैलेंसिंग लेंथ आएगी इसमें करंट जीरो हो जाएगा। ओके सर। हाँ यहाँ तक क्लियर है, आगे चलूँ मैं? यस सर। अगर दोनों क्लोज हुए फिर क्या हुए? अगर दोनों की क्लोज कर दी हमने, ये भी क्लोज कर दी, ये भी क्लोज कर दी, यस, फिर कैसे निकालेंगे सर?
नेट की बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी कि दोनों का जीरो कर दो? नहीं तो फिर इस सर्किट में E1 E2 के ऊपर डिपेंड करेगा, जो ग्रेटर होगा इसमें से फिर उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो कर रहा होगा। तो नीचे वाले की वजह से फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसरे वाले की वजह से? नहीं तो फिर हम ये कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, फिर तो ये R1 R2 भी आ जाएंगे, फिर तो हमें इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आएगा, उसके लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी फिर। ओके सर, वी निकाल तो, हाँ वो हम आई निकालेंगे फिर इसके क्रॉस किरचॉफ से ए और डी के क्रॉस, चाहे ऊपर वाली रो लें या नीचे वाली रो लें, इससे किरचॉफ से इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वो आएगा एसी के क्रॉस जो के L1 आ रहा है वो उसके बराबर होगा, तो वो इक्वेशन बनेगी फिर तो। ओके सर, हाँ तो वो हमें अभी अभी नहीं करना है इसमें, है ना? जहाँ करना होगा वहां पे इक्वेशन बना के करेंगे। अब मैं इसके थर्ड यूज पे आ रहा हूँ। ओके सर, हाँ ये इसमें फिर प्रॉब्लम दिखा रहा है। अभी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर, आ रही है सर, अभी तो आ रही है। हाँ यार ये बहुत परेशान कर दिया इसने। सर आप हेडफोन या ईयरफोन यूज कर रहे हो क्या? हाँ सर, वो मीडिया का दिखा रहा है आपका, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है या फिर वायर से? वायर से कनेक्टेड है सर। आपके वायर में कोई इशू आ रहा है सर, इसलिए वो दिखाता है बार बार। अच्छा ये वायर का प्रॉब्लम है ये जो दिखा रहा है यहाँ पर? जो सॉकेट है ना सर उसमें इशू आ रहा है, कई बार हो जाता है ये। अच्छा ओके, चलो आने तो इससे फिर, अभी तो आवाज तो आ रही है। यस सर, तो लेकिन हेडफोन तो अच्छा ही रहता है यूज करने के लिए। यस सर। अब देखते हैं टाइप 3 क्वेश्चन कैसे होंगे। टाइप 3 में हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालते हैं। और उसका मेथड डिस्कस करते हैं। वी फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एक बार मैं पूछ लूं, आपका बड़ा इंटरप्शन हो गया तो टाइम बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं क्या? पूछ रहा हूँ मैं, एक मिनट आप लोग होल्ड करें। ओके सर, हेलो एकेडमिक डिपार्टमेंट प्लीज। एकेडमिक्स लक्ष्मी नगर, हर्ष सर कहाँ हैं आप? हर सर मेरे ख्याल से एकेडमिक सेमिनार विहार है आप अभी जो होस्ट कर yes, रहे हैं। अच्छा ओके, एकेडमिक्स यमुना विहार प्लीज। सर ऊपर है क्या? ऊपर थे वो, ऊपर से। हाँ ये रहे, फोर्थ। अच्छा हाँ, यमुना विहार प्लीज। एकेडमिक यमुना विहार प्लीज। मधु मैम आप सुन पा रहे हैं मुझे? एकेडमिक यमुना विहार प्लीज। यार नहीं बात हो पा रही, छोड़ दे रहा हूं मैं, अभी बाद में देखते हैं। ठीक है सर, एक बार कॉल कर लो। यस सर, नहीं तो कॉल कर लीजिए। एक मिनट,
हेलो गुड इवनिंग, हाँ आगे इधर मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास में हूँ, तो ये मुझे यमुना विहार से बात करनी थी। अभी आप उसमें एकेडमिक्स में आप हैं कोई और है? नहीं वो वेंकट सर ले रहे हैं, मतलब एकेडमिक को मैं कई बार बुला रहा हूँ तो वो आ नहीं पा रहे हैं इसमें मुझे, क्योंकि बीच में कई बार डिस्कनेक्ट हो गया, ये नेट प्रॉब्लम चल रही थी तो मुझे पूछ। हाँ हर सर यमुना विहार में वो, हाँ, उनको बात करें जल्दी, तो बात करा लेंगे, मुझे टाइम बढ़ाना था थोड़े दिन, बढ़ा दो वैसे 15 मिनट बढ़ा दो, तो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा, ठीक है। हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। हाँ उनको अभी बात कर रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने देते हैं फिर बताएंगे, तब तक हम अपनी क्लास कर रहे हैं, नहीं 10-15 मिनट बढ़ा लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे देखते हैं अभी थर्ड, यार आज ये पोटेंशियोमीटर ना पूरा प्रोग्राम हो गया, ये इतना सा काम हो नहीं पाया आज। सर वैसे इस चैप्टर के साथ हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अच्छा ठीक है सर। कौन पूछ रहे हैं? सर मयंक। मयंक हाँ तो यहाँ पे ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, ये भी ये सेल है, देखो ई इसका ईएमएफ ई है सेल का, इसको मैं यहाँ V1 ले रहा हूँ, जो ये बैटरी है V1, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस रेजिस्टेट, और ये R स्मॉल R इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, एक की मेरी यहाँ पर है और सिमिलरली एक की मेरी यहाँ पर है, और ये मेरा गैल्वेनोमीटर और ये मेरी की है जॉकी है सी पर, इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ K1 K2। इंटरनल रेजिस्टेंस आर स्मॉल आर इस यही मुझे फाइंड करना है, और कैपिटल आर ये है मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो देखें हम इसमें भी हम सेम रूल यूज करने वाले हैं, हम क्या करेंगे पहले K1 की ओपन रखी, K1 क्लोज कर दी और K2 ओपन रखी, केस 1 क्लोज मतलब करंट फ्लो कर रहा है, क्लोज का मतलब यहां पर होता है करंट फ्लो कर रहा है, K2 ओपन, इससे क्या होगा हमें इधर नीचे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये वाला सर्किट से बाहर हो गया ये रेजिस्टेंस, और जब इसमें करंट फ्लो करेगा सेम ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे डी पॉइंट आएगा, सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा उस टाइम पे बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करने के लिए, तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी E=KL1 इक्वेशन नंबर 1, और K यहां पोटेंशियल ग्रेडियंट है, देन केस टू में अब मैं K1 K2 दोनों क्लोज रखूंगा,
जब ये दोनों क्लोज होंगी तो इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसके अंदर ईस्ट से ऐसे करंट गया, ये इसके अंदर फ्लो कर रहा है करंट। और अब जो मुझे लेंथ मिलेगी वो मुझे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस मिलेगी, और वो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो इस सेल के टर्मिनल के क्रॉस होगा, ये इंटरनल सर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू अस। क्लास हो गया अभी? यू कैन लीव इफ यू वांट, बट क्लास तो होगी। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर, फाइनली फाइनली। हाँ, आज बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एकेडमिक यमुना विहार, मुझे सुन पा रहे हैं?
सर इस टाइम दोनों एकेडमिक हैं। दोनों हैं। दोनों एक ही आ रहा है। हाँ अच्छा एक ही है। हाँ सर अब क्या क्लास एक्सटेंड होगी सर, क्योंकि एक घंटा तो हो गया सर पूरा वेस्ट। सर हाँ जी सर अब क्या क्लास एक्सटेंड होगी सर, क्योंकि सर एक घंटा तो हो गया सर पूरा। यस सर डेढ़ डेढ़ सर क्लास को रीशेड्यूल कर दो। आधा घंटा बचा है सर अब बस। अब कुछ फायदा तो है नहीं। थोड़ी देर और इंक्रीज कर सकते हैं, पूछ रहा हूँ मैं सर। या फिर अच्छा ठीक ओके सर। सर होस्ट तो कोई आप नहीं हो? नहीं होस्ट मैं नहीं हूँ। नहीं तो मैं क्योंकि उनको और भी क्लास लेनी होती है ना एक्चुअल में, उसके बाद दूसरी क्लास रीशेड्यूल होती है, वो भी उसकी शेड्यूल होती है, इसलिए है। दूसरी क्लास है। हाँ इनकी दूसरी क्लास है। कोई नहीं आज यहीं तक रखते हैं हम, आगे फिर आगे देख लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। तो अभी 5 मिनट है, अभी 5 मिनट है, अभी हम इस पे चल रहे हैं। ओके सर। सर 15 मिनट आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कर लीजिए। ठीक है 15 मिनट में इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है 45 तक। ओके थैंक यू। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये सर्किट है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए मेथड एक बार देखिए, कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताइए। सही है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल के अंदर केमिकल होता है उसका रेजिस्टेंस, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं सेल का, और जो हमने बाहर से वायर लगाते हैं वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हमें एक्सटर्नल गिवन है तो हम इंटरनल इस रूल से फाइंड कर लेंगे। ओके सर गॉट इट। हाँ यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। Yes, sir. Sir, वहाँ पे V is equal to KL2 क्यों लिखा? V के लिए जब हमने ये K1, K2 की दोनों की क्लोज कर दी तो इसमें जो लेंथ आएगी वो KL2 है। हम दो लेंथ निकालेंगे तभी तो क्वेश्चन किया हमने। तो सर इस पे E का भी तो इफेक्ट आएगा ही, हमने सिर्फ V लिया है। अरे क्रिस्ट वही तो समझा रहा हूँ, जब ये दोनों क्लोज कर देंगे जरा सोचो, ई का इफेक्ट तो अपनी जगह है, यहाँ से जो वी आएगा वो आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना। यस सर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही आएगा ना। ओके सर। हाँ और जब हम खाली ये वाली ब्रांच लेंगे, ऊपर वाली ब्रांच, नीचे वाली ब्रांच नहीं लेंगे तो ई आ जाएगा। तो यही तो मेथड है, हम इतनी देर से इसीलिए तो ये समझ रहे हैं। ठीक है मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसको। यस सर श्योर। जितना टाइम है उसमें हम स्टार डेल्टा देख रहे हैं। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और इसका यूज हम करते हैं जो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है।
हेलो स्टूडेंट्स. यस मैम. यस मैम. क्लास नहीं हो पाएगी. ओ नो. ओके मैम. करते भी हैं तो भी यही दिक्कत आ रही है. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर को. तो मैम तो एग्जिट कर दे. एग्जिट कर दे. हाँ ठीक है, स्टॉप करते हैं यहीं पे. ठीक है. ओके मैम. मैम वापस चेक नहीं होगी ना आज क्या?